जो खाद या उर्वरक हम फसलों के लिए डालते हैं वो मिट्टी में जाकर के जड़ों तक कैसे पहुंचती है और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम उर्वरक डालें उसमें से जो पोषक तत्व हैं जड़ों तक नहीं पहुंचे तो फसलों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है तो ये जो उर्वरक हैं चाहे यूरिया है चाहे डी है चाहे गोबर की खादी क्यों ना हो या कंपोस्ट हो चाहे हमारी जैविक खाद है चाहे रासायनिक उर्वरक हैं इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ तक पानी के माध्यम से पहुंचते हैं तो मिट्टी में नमी का होना बहुत जरूरी है अगर मिट्टी में नमी कम होगी तो ये पोषक तत्व जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो जो पानी है या जो मिट्टी की नमी है वही पोषक तत्वों को जड़ तक पहुंचाने का काम करती है वैसे तो जो पोषक तत्व हैं तीन तरीके से जड़ तक पहुंचते हैं या हम कहें कि एक तरीका तो पहला तो यही होता है कि जड़ खुद ही पोषक तत्व तक पहुंच जाती है और जो दो तरीके ये हैं कि पहला तरीका तो यह है वो पोषक तत्व तो पानी में घुल जाता है और फिर वो बहते हुए पानी के साथ तक जड़ तक जाता है दूसरा तरीका यह है कि पानी के अंदर ही वो पोषक तत्व तो घूमता रहता है और उस घूमने के कारण ही वो जड़ तक पहुंचता है घूमते घूमते लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में पानी का होना बहुत जरूरी है तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताया पहले जड़ तक जड़ खुद ही पहुंच जाती है पोषक तत्व तक तो दूसरा पानी बहता हुआ चलता है और उस पानी के अंदर पोषक तत्व बहते हुए चलते हैं तीसरा मैंने यह बताया कि पानी तो रहता है वहीं है लेकिन उस पानी के अंदर पोषक तत्व तो खुद ही घूमता हुआ वहां तक पहुंचता है जो तीसरा मैंने आपको बताया पानी के अंदर खुद ही पहुंचता है वो पोषक तत्व बहुत ही कम पौधे को प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि पोषक तत्व खुद अपने आप से नहीं चल पाते और जो बहते हुए पानी के साथ जाते हैं मतलब पानी बह बहरा उसके साथ चले गए वो पोषक तत्व ज्यादा मिल जाते हैं तो जो बहते हुए तो पानी के साथ जाते हैं उसमें नाइट्रोजन महत्वपूर्ण तो है नाइट्रोजन जाती है उसके साथ इसको आप ऐसे समझें कि आ, ये आ, हमारा एक पौधा है ये इसकी जड़े हैं ये इसकी पत्तियां हैं और इन जड़ों ये आ, कोई पोषक तत्व ये मैं दिखा रहा हूं कि मान लीजिए पोषक तत्व यहाँ है तो ये जड़े क्या है ये पोषक तत्व तो खुद ही पहुंच रही हैं लेकिन ऐसी अवस्थाएं बहुत कम होती हैं अधिकांश तक क्या होता है जब पानी बहता है इस जड़ों से इधर को जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है कहीं भी जा रहा है तो इस बहते हुए पानी के साथ जो है पोषक तत्व जड़ों तक आते हैं चाहे पानी ऊपर से नीचे जा रहा हो नीचे से ऊपर आ रहा है तो भी लेकिन ऐसी अवस्था बहुत कम होती है कि पानी नीचे से ऊपर आए ये केशी तत्व के कारण होता है केशी का जले का कारण होता है अधिकांश जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी ऐसे चलता है या बारिश हुई तो पानी ऐसे चलता है या बारिश होने का फिर पानी थोड़ा सा ढाल के अनुसार ऐसे चलता है तो जो पानी बह रहा है बहता हुआ पानी जो है जमीन के अंदर जो है बहता हुआ पानी इसके साथ कुछ पोषक तत्व चलते हैं इसमें जो मुख्य रूप से है वह है नाइट्रोजन तो यहां देखिए पानी की क्या हुई जरूरत थी दूसरा तरीका यह होता है कि पोषक तत्व यहां पे है मान लीजिए यहां पे है पोषक तत्व तो, और पानी कम है तो यह पोषक तत्व खुद ही यहां तक पहुंच जाता है यह दूसरा तरीका हुआ तो पहला यह, तीसरा हुआ पहला तो जड़ खुद ही पहुंच गई पहले तरीके में तो दूसरे तरीके में क्या हुआ बहता हुआ पानी गया तीसरे में क्या हुआ कि जो पोषक तत्व है वो खुद ही चलता है लेकिन ये चलने की दूरी बहुत कम दूरी होती है ये बहुत कम दूरी होती है ये और इसमें जो मुख्य रूप से होता है वो मिलता है फास्फोरस और पोटेशियम फास्फोरस पोटेशियम तो जो अधिकांशता जो तत्व होते हैं पोषक तत्व वो इसी कारण से होते हैं तीसरे जो तरीका है तो अब देखिए जड़ बढ़ रही है तो भी पानी चाहिए बहता हुआ पानी उसमें पानी चाहिए और ये जब दूरी है इसके लिए भी पानी चाहिए जैसे जैसे पानी कम होता जाता है दूरी कम होती जाती है तो इसका मतलब कि हमारी मिट्टी में नमी का होना बहुत जरूरी है हम खाद डालें चाहे हम जैविक खाद डालें चाहे हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं मिट्टी में अगर नमी कम है तो ये पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे यही कारण होता है कि जब हम पोषक तत्व डाल देते हैं मतलब खाद डाल देते हैं और मिट्टी में नमी कमी आ गई नमी में तो नहीं मिल पाते हमारी खाद की वेस्टेज हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखें जब आप खाद डाल रहे हो तो उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए चाहे आप बुबई के समय डाल रहे हो चाहे आप खड़ी फसल में डाल रहे हो नमी का होना बहुत जरूरी है बिना नमी के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते आप चाहे गोबरी खाद डालें चाहे आप वर्मी कंपोस्ट डाल लें चाहे कंपोस्ट डालें मुर्गी की खाद डालें सब के लिए नमी का होना बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा ना हो कि पूरी लबालब पानी से भरी हो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर पूरी पानी से भर दिया है खेत हमने तो ऑक्सीजन नहीं बचेगी हवा नहीं बचेगी ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो जड़े नहीं ले पाएंगी, वो भी नहीं ले पाएंगे तो पोषक तत्व तो वहां भी उपलब्ध नहीं होंगे तो नमी हमारी पर्याप्त तो होनी चाहिए ठीक ठाक होनी चाहिए ना तो बहुत ज्यादा हो कि पूरी भूमि भर गई हो मिट्टी भर गई हो ना इतनी कमी हो कि मिट्टी बहुत सूखी हो गई हो तो मैंने आपको तीन तरीके बताए तीन तरीके से पोषक तत्व जड़ तक पहुंचता है तीनों ही तरीके में पानी की जरूरत है जड़ पहुंच रही है पोषक तत्व तो जड़ को अपनी बढ़ने के लिए पानी चाहिए दूसरा पानी बह रहा है तो इसमें बहुत सारा पानी चाहिए चाहे वो सिंचाई का पानी हो चाहे वर्षा जल का पानी हो तीसरा क्या है कि पानी के अंदर खुद ही पोषक तत्व तो अपना आप चलता है लेकिन ये चलने की दूरी बहुत कम है और जैसे जैसे पानी कम होता जाता है तो इसकी दूरी और कम होती जाती है तो ये अधिकांश तो जो होते हैं वो फॉस्फोरस है पोटेशियम है दूसरे तत्व तो है ये इसी तीसरे तरीका जो मैंने होता है उससे चलते हैं तो इसका मतलब अगर आप कोई भी खाद प्रयोग कर रहे हैं चाहे वो जैविक है चाहे वो रासायनिक है मिट्टी के अंदर उस समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए अगर नमी नहीं है तो आप के पास सिंचाई के साधन है पहले सिंचाई कर लीजिए फिर खाद डालिए अगर आपके पास बिल्कुल सिंचाई के पर्याप्त साधन है तो आप खाद डालने के बाद भी सिंचाई कर सकते हैं लेकिन उस केस में अगर आपने खाद कर डाल दी तो सिंचाई हल्के कीजिए ऐसा ना हो कि पानी सारा नीचे चले जाए जड़ से नीचे चला जाए तो तब हमको हल्की सिंचाई करनी चाहिए और नहीं तो अगर आप सेफ साइड पर चलना चाहते हैं कि हमारी फसल नुकसान ना हो तो सिंचाई कर दीजिए फिर खाद डाल दीजिए तो अगर आप इस विधि से करेंगे तो निश्चित रूप से पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों को मिलेगी और आपकी जो खाद है उसका समुचित उचित उपयोग होगा और हानि कम होगी तो आप अपनी खेती का लाभ बढ़ा सकते हैं और हानि कम कर सकते हैं इसी तरह की चर्चा सुनने के लिए आप मेरे जो ये चैनल है इस पर कृषि किसान प्ले लिस्ट बनाइए उसमें आप चर्चा सुन सकते हैं और मैं डॉक्टर अमित भटनागर पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो अनुसंधान कार्य हैं या जो नई तकनीक है या जानकारियां हैं किसानों तक पहुंचे सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कृषि किसान प्लेलिस्ट के जो चर्चा है उसको सुनें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा धन्यवाद